step 1 and step 2. Higher of that will be considered as gap, right? Higher of step 1 and step 2 is gap. Now, step 1 mein kya tha? Higher of municipal value and fair rent subject to maximum of standard rent. But, इसके साथ भी compare करना था. Actual rent receivable minus unrealized rent. मैं unrealized rent में भी आऊंगा अभी. ठीक है? इन दोनों को compare करके जो बड़ा figure होता है, whichever is a bigger figure, that will be considered as gross annual value. That is considered as gross annual value gap. Now, इसको हम लोग expected rent कहते हैं. तो इसका मतलब क्या है? Expected rent और actual rent, इन दोनों को भी तो मैं compare कर रहा हूँ. तो मैं दोनों को compare किया. Expected rent 100 है और annual rent कितना? 108 है. Higher कौन सा है? बड़ा कौन सा? 108 है. लेकिन घर खाली था, बोल के ये figure छोटा हो गया, है ना? तो घर खाली होने की वजह से अगर छोटा हो जाता है, खाली मतलब सिर्फ घर खाली है, बोल के ये छोटा हो गया, तो छोटा वाला figure हम लोग क्या करते हैं? ना अगर मेरा ये फिगर जो 108 है, ये पहले से ही 100 से नीचे होता, पहले से ही 100 से नीचे होता, तो ये तो छोटा ही है. हम लोग तो कंपेयर करते हैं ना, व्हिचएवर इज हायर इज कंसीडर्ड एज गैप. तो ये तो ऑलरेडी हायर है, एक्सपेक्टेड रेंट इज पहले से हायर, सो इसीलिए एक्सपेक्टेड रेंट को भी हम लोग गैप कर रहे हैं. आई विल डू, मैं एक दो और एग्जांपल देता हूं व्हिच विल थोड़ा बेटर हो जाए. Expected rent 100, annual rent is say 120, and vacancy loss यहाँ पर भी मैं एक महीने का पकड़ रहा हूँ, 12 महीने का 120 है, तो मतलब 10-10 करके हुआ ना, एक महीने 10 होगा, सिंपल सवाल. अच्छा, अब देखते हैं, ये एग्जांपल बहुत इजी लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये हायर है, इसको क्या पकड़ लो. मैं बोलता हूँ हमेशा एक्सपेक्टेड है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आप लोग करोगे कंपेयर, है ना? ये वाला और ये वाला होगा कंपेयर, ठीक है? इन ऑल दी सिचुएशन कंपेयर दीज टू, इन दोनों को आप लोग करोगे कंपेयर. यहां पर भी वही मैंने कंपेयर किया था, ये हमारा एनुअल रेंट हायर है, एनुअल रेंट हायर है. अगर मैं इसको 40 भी कर दूं, 40 भी कर दूं, तो 80 हो जाएगा ना यहां पे, तब तो यहां पे 80 हो जाता, तो गैप मेरा 80 ही होता. आया मेरा बात समझ में? है ना? I will compare 100 and 120, whichever is higher. Now my annual rent is higher. Vacancy के वजह से वो छोटा हो गया. Vacancy के वजह से छोटा हो गया. तो छोटा जब vacancy के वजह से हुआ, तो हम लोग छोटा वाला फिगर लेंगे. लेकिन हम लोग जो एग्जांपल कर रहे हैं, वहां पे तो ये 10 है, राइट? वहां पे तो ये 10 है, तो ये तो 110 हो रहा है, तो ये तो ऑलरेडी हायर है, इसलिए ये 110. ठीक है, मैं वापस रो कर रहा हूँ. मैंने और एक एग्जांपल करवाया, बोला तुम लोग को कि एक्सपेक्टेड रेंट से 100 है, ठीक है, एनुअल रेंट 120 है, वेकेंसी 5 months, वेकेंसी 5 months, तो मतलब 70, तो 70 होगा मेरा क्या है? ठीक है, और एग्जांपल करो. और भी करेंगे. अब मैं आता हूं विथ अनरियलाइज्ड रेंट.
एक्सपेक्टेड रेंट तो नंबर कर देता हूँ सारा एग्जांपल्स का, ये है वन, ये है, ये है टू, ये है फोर, अच्छा एक्सपेक्टेड रेंट इज 100, एनुअल रेंट, एनुअल रेंट है मेरा 108, ठीक है, नाउ लेस अनरियलाइज्ड रेंट, अच्छा लेस नहीं करते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट है मेरा 10, अनरियलाइज्ड रेंट है मेरा 10, अच्छा मैं लेस कर ही देता हूँ बाद में। तो मेरा स्टेप वन क्या है, स्टेप वन दिया हुआ है ऑलरेडी, स्टेप वन में मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है 100 है, स्टेप टू क्या हो गया, स्टेप टू क्या हो गया, स्टेप टू क्या हो गया, एक्चुअल एंड रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, राइट, सो मैं स्टेप टू निकाल, सो दिस इज माई, ये मेरा स्टेप वन है और ये दोनों को मैं करूंगा तो ये बनेगा मेरा स्टेप टू, कितना हो गया 98, सो स्टेप टू कंप्लीट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। नाउ आई विल कंपेयर दिस 100 एंड दिस 98, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने के बाद, ठीक है, अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करने के बाद कंपेयर करना है, नाउ व्हाटएवर वी गेट उससे लेस करना है वैकेंसी, वैकेंसी इज 9, वैकेंसी मैं माइनस करता हूं, वैकेंसी माइनस करने से कितना आ रहा है 89, गैप क्या होगा, गैप क्या होगा, देखो मैंने क्या बोला, वी विल कंपेयर 198, वी विल कंपेयर 198 व्हिच इज हायर, 100 इज हायर, तो 100 अगर हायर है तो एक्सपेक्टेड रेंट ही मेरा गैप बनने वाला है, एक्सपेक्टेड रेंट ही मेरा गैप बनने वाला है, अभी आगे डिडक्शन वगैरह करके भी फायदा नहीं है, है ना, सब लोग के माइनस कर रहे हैं अने अनरियलाइज्ड रेंट एंड देन वी विल डिडक्ट वैकेंसी लॉस, तो ये 100 होगा। देखो अब धीरे धीरे शायद थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है ना, हो जाएगा, हो जाएगा। एग्जाम्पल 6, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट 100 है, ठीक है, एनुअल रेंट 108 है, अच्छा इससे हम लोग लेस करेंगे अनरियलाइज रेंट तभी हम लोग पहुंचेंगे स्टेप वन में, स्टेप टू में, है ना, हाँ इसी को हम लोग कहेंगे, हाँ ये स्टेप टू हो गया मेरा, ठीक है, अच्छा या फिर हाँ ठीक है, इसके साथ हम लोग लेस करते हैं वैकेंसी लॉस, अच्छा अब बात है 104 और 100 इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, विच इज हायर 104, सो नाउ वैकेंसी लॉस माइनस करने के पहले ही हम लोग देख लेंगे कौन सा हायर है, अब वैकेंसी लॉस माइनस करने के बाद अगर 104 100 से नीचे भी आ जाता है, 104 अगर से नीचे भी आया तो भी नीचे वाला फिगर ही लेंगे, अगर नीचे नहीं आता है, मैंने बोला कि वैकेंसी लॉस
माइनस करने के पहले द फिगर इज बिगर देन एक्सपेक्टेड 104 को कंपेयर कर रहा है ना, अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करने के बाद 104 इसको हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, व्हिच वन इज हायर, 104 इज हायर. सो नाउ इवन इफ मैंने अभी तक वैकेंसी लॉस नहीं माइनस किया, वैकेंसी लॉस माइनस करने के बाद भी अगर ये फिगर छोटा हो जाता है तो छोटा वाला ही लेंगे. एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ऐसे वर्बल एग्जाम्पल, अगर मैं 104 से 3 माइनस करता हूँ तो मेरा गैप होगा 112, अगर मैं 104 से 10 माइनस करता हूँ तो मेरा गैप होगा 94, अगर मैं 104 से 100 माइनस करता हूँ तो भी मेरा गैप ये होगा 4. यू गॉट माय पॉइंट? मतलब इन एनी सिचुएशन अगर मेरा ये वाला फिगर बड़ा रहता है ना तो ये कैटेगरी ही मेरा गैप बनेगा, ठीक है. सो इन आवर सिचुएशन हम लोग का वैकेंसी लॉस 9 है, ठीक है. सो 95 इज माय नेट फिगर और 95 ही मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, ठीक है. समझ लो, अगर कोई डाउट है तो बोलो. ऊपर वाला लिख लिया वैकेंसी गैप, मत लिख तू, मत पेपर टेक छोड़. अच्छा तो लिख लिया लाउड है.